Today we are going to discuss about social media marketing. So today we are going to discuss fundamentals of social media marketing, right? सब लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? यस मनाली, आपको आवाज आ रही है क्लियर? कैन यू हियर मी क्लियरली? यस सर। ओके, सो बेसिकली आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का फंडामेंटल है। तो आज जैसे हम सब लोगों को पता है कि people used to spend lots of time on the social media websites, right? जैसे कि हम लोग सुबह में उठ के WhatsApp को देखते हैं, right? इसके बाद Instagram होता है, Facebook होता है, and so many other things. ऐसे सिनेरियो में अगर आपको आपके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचना है, right? What is the meaning of targeted audience? जो लोगों को आप आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना चाहते हो, दे विल बी योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है? तो सोशल मीडिया इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म। नंबर टू ये है उसमें कि कोई भी प्लान ऐसा होना चाहिए जो आप एग्जीक्यूट भी कर सको और मेजर भी कर सको, राइट? मेजरमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर चीजों में मार्केटिंग फेल होता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपको ये नहीं पता लगता कि कौन से रीजन से ये नहीं चला, राइट? फॉर विच रीजन दिस थिंग डिड नॉट वर्क। सो डिजिटल मार्केटिंग की ब्यूटी ये है कि आप सब कुछ मेजर कर सकते, राइट? अगर आप फेसबुक का पिक्सल वेबसाइट पर ऐड कर दोगे, राइट, तो यू विल बी एबल टू नो कि फेसबुक के माध्यम से वेबसाइट पर कितने लोग आए, कितने लोगों ने प्रोडक्ट को परचेस किया, राइट? अगर आपने लिंक्डइन के इनसाइट टैग को ऐड कर दिया, सारी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको ट्रैकिंग करने के लिए फैसिलिटी देते हैं, ट्रैकिंग करने के लिए ऑप्शन देते हैं। ये सब ट्रैकिंग का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव वही है कि आपको पता लगे कि कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सी चीज काम कर रही है। आज ही मैंने परसों ही एक एक्सपर्ट का जो सेशन सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि 80% ऑफ द बिजनेस फेल इन द सोशल मीडिया मार्केट। तो वो लोग क्यों फेल होते हैं? उसमें दो फंडामेंटल इंपॉर्टेंट रीजन है कि उनका जो ग्राउंड वर्क है, रिसर्च है, वो प्रॉपर नहीं होता है, और डाउन द लाइन जो टीम में जो बंदा काम करने वाला है वहां तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है। दिस टू आर द मेजर रीजन। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट जब भी आपके पास नया आता है, राइट, वो आपका खुद का है या आप और किसी के लिए कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्लाइंट का गोल क्या है। व्हाट इज द गोल, राइट? वो क्या करना चाहिए? नॉर्मली तीन टाइप के गोल हो सकते हैं। या तो उसको ब्रांडिंग और अवेयरनेस करना है, या तो उसको कंसिडरेशन करना है, या तो उसको कन्वर्ट करना है। लोग गलती क्या कर बैठते हैं, वो लोग पहले ही फेज में कन्वर्जन की एक्सपेक्टेशन करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर आप सड़क पर जा रहे हो और इफ यू आर सेलिंग हैंडकरचीफ, और कोई भी अनजान आदमी है उसको बोलोगे कि हैंडकरचीफ लोगे, आपका खराब है, ये बच जाए, आप ले लो, राइट? दैट पर्सन, the probability is very high that that person will not buy that handkerchief from you, right? क्योंकि वो आपको पहचानता ही नहीं है। लेकिन वही चीज
अगर आपने उसके साथ एक रिलेशन बनाया, राइट, अगर वो आपको जानता है और बाद में आप उनके साथ बात करोगे तो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई. अगर आप मुझे मिले हो कोई भी जगह पर और मैं स्टार्ट कर दूं कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, यू विल नॉट बी एबल टू एंगेज विद मी, राइट. तो वही चीज है, आप पहले फेज में कभी भी कन्वर्जन की एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते, राइट. और वो सबसे बड़ी गलती होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग में कि लोग डायरेक्टली कन्वर्जन का कैंपेन रन करते हैं, राइट. तो उनके फेज है, वो फेज के साथ जाओगे तो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट यू विल गेट द रिजल्ट, राइट. तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, उनका गोल पता होना चाहिए कि वो क्लाइंट क्या करना चाहता है, राइट. अगर वो डायरेक्टली कन्वर्जन के लिए बोल रहा है तो एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ये आपका काम है कि आपको उनको अवेयर करना है, उनको एजुकेट करना है कि सबसे पहले फेज में आपको रीच करनी पड़ेगी, उसमें से जो लोग, या अवेयरनेस करनी पड़ेगी उसमें से जो लोग एंगेज हुए हैं उसको कंसिडरेशन में जाना है, और उसमें जो लोग एंगेज हुए हैं उसको कन्वर्जन में लेकर जाना है. पहले फेज में आप सीधा प्रोडक्ट या सर्विस को सेल नहीं कर सकते, क्लियर. ओके, सो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, गोल पता होना चाहिए. गोल के बगैर अगर काम करोगे यू विल नॉट गेट द रिजल्ट, राइट. नॉर्मली नॉर्मली सर्विस इंडस्ट्री में लोगों का गोल क्या रहता है, जो लोग सर्विस सेल कर रहे हैं अगर उन्होंने एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के तौर पर आपको रखा है तो उनका क्या गोल रहे, हाँ, उनका अवेयरनेस तो है ही है, लेकिन उनका जो फंडामेंटल गोल रहता है वो लीड रहता है, क्योंकि आप हमें लीड ला, वो कुछ भी शब्द का यूज करें उनके दिमाग में एंड में यही रहता है कि मुझे कितनी लीड मिली. क्यों ऐसा होता है, वो लोग भी गलत नहीं है उनके हिसाब से, क्योंकि आज सपोज मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो मैंने कोई बंदे को बोला है कि भाई आई एम सपोज टू पे यू एक्स अमाउंट, यू नीड टू डू द सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर ट्रेनिंग माई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. तो मैं जब एंड ऑफ द मंथ आरओआई को कैलकुलेट करने के लिए बैठूंगा, राइट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैं क्या चेक करूंगा कि भी मैंने उसको एक्स अमाउंट दी है, वाई मैंने फेसबुक को और इंस्टाग्राम को दी है, उसने मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया, सिंपल. तो वो रेवेन्यू जो आएगा वो कैसे आएगा, जो बंदा इंटरेस्टेड है वो जब कांटेक्ट करेगा उसमें से कुछ लोग ट्रेनिंग को बाय करेंगे, वहां से वो रेवेन्यू. अगर उसने कितना भी अच्छा काम किया लेकिन ये केपीआई को ध्यान में नहीं रखा, केपीआई मानी नंबर ऑफ लीड एंड कॉस्ट पर लीड, दूसरा क्या है मैट्रिक्स, कॉस्ट पर लीड, ओनली नंबर ऑफ लीड इज नॉट इम्पोर्टेंट. अगर आपने मुझे 50 लीड दी लेकिन एक लीड की कॉस्ट मेरे आरओआई को जस्टिफाई नहीं करती है, सो वो काम का नहीं. तो दो केपीआई सर्विस इंडस्ट्री में मेन रहेंगे, वो कुछ भी बोले. मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है कि वो बिजनेस वाले कुछ भी बोले कि लोगों तक पहुंचना है, वो करना है, एंड ऑफ द मंथ ये वही पूछेंगे कि मुझे कितनी लीड मिली और उसमें से कितना कन्वर्जन हुआ, और वही डिसाइड करेगा एक महीने चलाएगा, दो महीने चलाएगा, तीन महीने, वो फोर्थ मंथ आपकी साथ सर्विस कंटिन्यू रखेगा कि नहीं रखेगा, उसका एक ही बेस है, उसको कितनी लीड मिली, उसमें से कितना कन्वर्जन हुआ, और वो कन्वर्जन उसने जो पैसे खर्च किए हैं वो जस्टिफाई करता है कि नहीं. अगर आपको कोई भी सर्विस या अपनी जॉब में ग्रोथ करना है तो आरओआई देना सीखो, सबसे पहले आरओआई को ध्यान में रख के काम करना सीखो, उसके बाद आरओआई को बताना सीखो. बताना भी इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो सिर्फ आप काम करोगे दैट इज नॉट सफिशियंट, आपको वो भी सीखना पड़ेगा उसको हाईलाइट कैसे करते, राइट. आप जो 8 घंटे या 8 मल्टीप्लाई बाई जितने भी वर्किंग डेज है उसको मल्टीप्लाई करके जो भी काम किया है उसमें कंपनी को फायदा हो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ, वो आपको सीखना पड़ेगा. तो ये चीज है कि गोल सबसे पहले आपके पास क्लियर होना चाहिए. सर्विस इंडस्ट्री में क्या गोल रहता है, लीड, और ई कॉमर्स वेबसाइट है तो क्या गोल रहेगा, रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया, राइट. ठीक है, सो दिस टू आर द गोल फॉर सर्विस इंडस्ट्री. प्राइमरी गोल विल बी
नंबर ऑफ लीड्स एंड प्रॉस्पर लीड्स फॉर ई कॉमर्स इंडस्ट्री. Primary goal will be number of conversion or revenue and cost per run. ठीक है, clear? Right? आपने एक product को बेचा, लेकिन वो product आपको बेचने में कितना खर्च हुआ वो भी important है, और कितनी product बेची वो भी. ये दो KPI में रख के ही काम करना. अगर कोई client ऐसा आपके पास आता है, जैसे उन्होंने बताया कि भी मुझे ब्रांडिंग और अवेयरनेस, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है 90% केस में उनका ऑब्जेक्टिव ये दोनों में से एक होता है. 10% केस में वो ब्रांडिंग और अवेयरनेस की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. जैसे कि अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है, वो लोग कुनूर में, राइट, कुनूर जो कर्नाटका में है, कर्नाटका नहीं तमिलनाडु में है, जो हिल स्टेशन जैसा है, तो वहां पर वो लोग लैंड और जो भी घर है वो बेचते हैं हिल स्टेशन. तो उन्होंने प्योरली बताया कि भी हमारा ऑब्जेक्टिव ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस है, राइट, जो भी इंटीरियर डेकोरेटर है उनके लिए. तो वो मेक सेंस करता है, क्योंकि उनकी जो टिकट साइज है वो बहुत ज्यादा है, राइट, उनकी जो टिकट साइज है वो CR से स्टार्ट होती है, तो वो केस में वो मेक सेंस करता है, राइट. तो अगर ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस आपका ऑब्जेक्टिव है, तो KPI कौन सा रहेगा? KPI मानी की परफॉर्मेंस इंडेक्स. KPI मानी की परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो मेन गोल है जिसके लिए आप काम, जो मेन गोल है जिसके लिए आप काम कर रहे हो. जब भी आप रिपोर्टिंग करो, या खुद के लिए खुद को रिपोर्टिंग करो, सबसे पहले खुद को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद क्लाइंट को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. तो KPI को मेजर करो, एवरी डे मेजर करो, एवरी डे. जैसे SEO में KPI क्या है? What is the KPI in SEO? Search engine optimization, ranking improvement. कल आप कहां पर थे, आज कहां पर? Every morning उसको check. बहुत सारे tools आते हैं जिससे आप automation भी कर सकते हो, वो आगे हम लोग देखेंगे, right? लेकिन कहने का ये मतलब है कि KPI के बगैर काम करोगे तो end of the month आप बोलोगे मैंने इतना सारा काम किया, कंपनी बोलेगी मुझे कुछ फायदा, right? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि क्लाइंट को क्या चाहिए, और क्लाइंट ने कभी ये नहीं सोचा कि उसको मैं क्या बोलूंगा तो वो समझेगा कि भाई मुझे ये चाहिए, राइट. तो तीन चीज है फॉर ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस. गोल विल बी, क्या गोल रहेगा? एंगेजमेंट. व्हाट इज एंगेजमेंट? कौन बताएगा सोशल मीडिया में एंगेजमेंट क्या है? व्हाट इज द एंगेजमेंट मैट्रिक्स? एंगेजमेंट मैट्रिक्स, लाइक्स, लाइक, वेरी गुड, लाइक्स, कमेंट, एक्सीलेंट, राइट. ये सारे मैट्रिक्स, लाइक्स है, कमेंट्स है, शेयर्स है, राइट. ये सारे मैट्रिक्स है जो एंगेजमेंट मैट्रिक्स है. अगर मुझे कोई बोले कि भाई 5 लोगों ने अलग अलग पोस्ट की है, सर वॉइस इज नॉट क्लियर, राइट, 5 वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ रही है. यस सर, कुछ बीच में आ रहा है. आना चाहिए वॉइस तो क्लियर, ये है नहीं यहाँ पर कुछ, वो पीछे फैन चल रहा है, उसके क्या शायद बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी हो सकती है. हाँ सर, अभी हो गया. अगर आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है तो इसमें क्या होता है कि कॉम्प्रेसर भी पीछे ही है AC. ओके ओके, स्टार्ट करूंगा तो वो भी डिस्टर्ब करेगा. ओके सर, फाइन. तो इसमें एक काम कर, वो 2 पर है ना अभी? सर सही है, ठीक है अभी सर, क्लियर आई है. नहीं ऐसा नीचे से करोगे तो आ जाएगा. बस कर, ओके. सो इन सोशल मीडिया जो गोल होगा वो ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस के पीए में, ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस के केस में गोल क्या रहेगा? एंगेजमेंट. एंगेजमेंट मानी लाइक, कमेंट एंड शेयर. कमेंट एंड शेयर.
ठीक है, अगर मैंने आप लोगों को कोई भी काम दिया है या मुझे किसी को हायर करना है तो मैं बोलूंगा कि भी आप लोग 5 पोस्ट बनाओ या 1 पोस्ट बनाओ, आई एम गोइंग टू चेक आफ्टर 1 वीक दैट व्हाट इज द एंगेजमेंट योर कॉस्ट इज जनरेटेड। तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे आपको 30,000 देना है, 40,000 देना है, 50,000 देना है कि 10,000, ठीक है, बिकॉज दैट इज वॉट आई वॉन्ट, राइट, मुझे क्या करना है, दैट इज वॉट आई वॉन्ट। तो गोल आपको पता होना चाहिए और गोल के साथ में कौन सी चीजों को मेजर करना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। नंबर टू, ये ऑलरेडी लिखा है KPI, जब भी आप काम करना शुरू करो, राइट, बिफोर यू स्टार्ट विद द वर्क, आपके पास कुछ कुछ चीजें रेडी होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लाइंट को एक क्वेश्चनर भेजना, राइट, क्यों क्वेश्चनर भेजना जरूरी है, राइट, आपका टाइम सेव करेगा, क्वेश्चनर बहुत इफेक्टिव चीज है, क्यों इफेक्टिव चीज है, उसका मैं 2 साइकोलॉजिकल रीजन बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता लगेगा कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, नंबर टू आपको यह भी पता लगेगा कि वो कितना सीरियस है अपने वो काम के लिए, क्योंकि कई बार मुझे कॉल आ जाता है, पान के गलने पर बैठे होते हैं और दोस्तार जो फ्रेंड होते हैं वो डिस्कस करते हैं, यार तुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग अभी बहुत चल रहा है, अच्छा ऐसा है तू तेरा बिजनेस ग्रो करना है तो डिजिटल मार्केटिंग कर, तो दूसरा फ्रेंड है वो सीधा सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, और जो कंपनी आती है उसको सीधा फोन लगाता है, अरे भाई आपने डिजिटल मार्केटिंग करोगे, राइट, तो वैसे लोग होते हैं, तो वो लोगों को फिल्टर कैसे करोगे आपका टाइम सेव करने के लिए, हाउ यू आर गोइंग टू फिल्टर दैट दो सच टाइप ऑफ ऑडियंस, आपको कुछ नहीं करना है, उनको कुछ डिटेल्स भेजनी है, तो वो लोगों के पास अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कितनी क्लैरिटी है और कितना सीरियसनेस है वो क्वेश्चनर से पता लग जाएगा। तो आपका काम आसान करने के लिए मैंने यहां पर क्वेश्चनर की जो फॉर्मेट है वो, आप जो ब्लू कलर में जो है वो क्वेश्चंस है, जो ब्लैक कलर है वो आंसर्स, क्लियर। ये आपको जो भी बिजनेस के लिए आप करना चाहते हो या कर रहे हो उसके लिए आपके आपके पास होना चाहिए। इसके बगैर करोगे तो 1 मंथ के बाद पैसे लेने के वक्त परेशानी शुरू हो जाएगी, राइट, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो बोला था, आप बोलोगे ये किया है, वो किया है, और ये 100% होगा, राइट। यहाँ पर एक टेंडेंसी है, एट द टाइम ऑफ गिविंग अमाउंट सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए, राइट, उनके साइड से भी होना चाहिए, आपकी साइड से भी नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नंबर टू, आप जब भी काम शुरू करो, ये ऐसी चीजें हैं जो 100% आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। एंड नंबर टू, कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, कभी भी कम्युनिकेशन गैप, जब भी आप काम शुरू करो तो अपने साइड से स्ट्रेटजी बनाकर किक ऑफ मीटिंग करो, क्या करो, अपने साइड से स्ट्रेटजी बनाकर क्लाइंट और टीम दोनों होनी चाहिए, अगर आप खुद ही टीम हो तो आप और क्लाइंट मीटिंग करो, आपको और क्लाइंट को दोनों को पता होना चाहिए कि आप पहले महीने में क्या करने वाले हो, जिससे 1 महीने के बाद ऐसा ना हो कि ये क्यों नहीं किया और आप बोलो कि भाई ये तो हमने किया। कल हमारा एक क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन था, मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ, वो लोग वाटर पार्क 7S वाटर पार्क करके है, राइट, अहमदाबाद रोड पर वो आते हैं, उनका है लोकेशन। तो कल हमने दो घंटे एग्जैक्टली वही काम किया, मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ और वो कितना हेल्पफुल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये दिखाने का एक ही पर्पज है कि आप लोगों का विजन बड़ा हो जब भी आप काम कर रहे हो और सिस्टमेटिक वे से आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो।
कल हमारी इनके साथ 2 घंटे से ज्यादा मीटिंग चली, उसमें हमने वही डिस्कस किया कि गोल क्या है। तो 300 प्लस बुकिंग हो उनका, केपीआई क्या है, ये सारी चीज हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। सो अगर किसी को कोई वाटर पार्क के लिए प्लान कर रहा है तो 7S में जाना आपने, राइट? तो हमारा 300 प्लस का जो गोल है वो अच्छी हो जाए। ओके, सो कहने का ये मतलब है कि जब भी आप काम शुरू करो तो सबसे पहले आपको गोल पता होना चाहिए, जो हमने डिस्कस किया, केपीआई भी हमने डिस्कस कर लिया। नंबर 2 जो चीज है वो है आपकी ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस। ऑडियंस में क्या आता, व्हाट डज कंटेन इन द ऑडियंस। तो सबसे पहले है आपको B2B टारगेट करना है कि B2C टारगेट। व्हाट इज B2B? बिजनेस टू बिजनेस। व्हाट इज B2C? बिजनेस टू कंज्यूमर। क्यों जरूरी है ये जानना? Why it is important to know this? Because सोशल मीडिया में जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं वो सारे प्लेटफॉर्म सभी के लिए नहीं है। ध्यान से सुनो, सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सही सबके लिए नहीं है। सभी बिजनेस मॉडल के लिए सारे प्लेटफॉर्म नहीं बने हैं या वो हेल्पफुल नहीं है, राइट? अगर आपको यही नहीं पता है कि B2B है या B2C, तो आपको राइट प्लेटफॉर्म चूज नहीं कर सकते, राइट? तो B2B है तो LinkedIn इज द राइट प्लेटफॉर्म, एंड इन सम इंस्टेंसेस Twitter कैन बी योर राइट। अगर B2C है माने बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो उसमें भी एज ग्रुप है। अगर 25 प्लस या 30 प्लस की एज ग्रुप के लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, फेसबुक इज राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। अगर आप 30 से कम एज ग्रुप वाले को टारगेट कर रहे हो, 15 से लेकर 30 तक, इंस्टाग्राम विल बी राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू इंडिया में। अगर YouTube इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, एंड कुछ कंट्रीज में वो भी अभी चल रहा है। स्नैपचैट भी कई कंट्रीज है, इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन स्नैपचैट भी चल रहा है। और दूसरा कौन सा आया है? टेलीग्राम इज ऑल्सो हेल्पफुल, ठीक है? सो ये सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। नंबर 2, इनकम ग्रुप क्या है, व्हाट इज द इनकम ग्रुप, राइट? क्योंकि आप को उनकी इनकम पता होगी तो आप उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो, उसके बेसिस पर डिसाइड कर। चलो हम लोग ट्रेनिंग इन SEO के लिए बनाते हैं ऑडियंस, ताकि आपको प्रैक्टिकल इसका एक्सपोजर पता लगे। और फिर आपको क्या करना है, 3 बिजनेस मॉडल के लिए बनाकर लाना है इसमें से, यही चीज, ठीक है? ओके, चलो B2B है, B2C, तो सबसे पहले ट्रेनिंग है तो इट इज गोइंग टू बी B2C, ठीक है? हम B2B के लिए भी कर सकते हैं, अगर कोई कंपनी को ट्रेनिंग चाहिए तो इन दैट केस वी कैन गो विद द B2C एज वेल, B2B एज वेल, बट राइट नाउ लेट अस थिंक अबाउट द B2C ओनली। करेक्ट, सो B2C विल बी देयर इन द केस ऑफ ट्रेनिंग इन SEO। इनकम ग्रुप क्या रहेगी, तो इनकम ग्रुप में हमारी फीस 1-1.5 लाख नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल इनकम ग्रुप बिल ऑल, राइट? इसमें कोई इनकम ग्रुप के लिए कोई सेगमेंटेशन नहीं, राइट? हम लोग बेसिकली ऑडियंस को क्या कर रहे हैं, सेगमेंट कर। सेगमेंटेशन का पर्पस क्या है, सेगमेंटेशन का एक ही पर्पस है कि जितना सेगमेंटेशन आप करोगे, जब आप एड को लाइव करोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा सेगमेंट काम कर रहा है, कौन सा सेगमेंट काम कर रहा है, समझ रहे हो आप? सपोज मुझे पता लगा कि जो लोग SEO में काम कर रहे हैं वो एक सेगमेंट बनाया, जो लोग SEO को सीखना चाहते हैं वो एक सेगमेंट बनाया, जो लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड है, राइट, साइंस बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, आर्ट्स बैकग्राउंड है, उनसे मैंने सेगमेंटेशन किया। तो बाद में जब मैं कैंपेन को रन करता हूं और मुझे रिजल्ट मिलता है, तो मुझे पता लगेगा कि ये 5 सेगमेंट में से
कौन सा सेगमेंट मुझे लीड दे रहा है और मुझे आगे उनके साथ कैंपेन को कंटिन्यू करना चाहिए। क्लियर? ठीक है। सो नंबर टू इनकम, तो ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन में क्या होना चाहिए कि अगर आपको नॉर्मली ट्रेनिंग लेनी है तो आप ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, इट इज अ गुड थिंग। अदरवाइज आपको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जगह पर दिक्कत आ सकती है। सो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। नंबर टू इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द इंटरेस्ट। सो दो चीज, ये दो चीजों को आप पक्का कर लो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ये चीज आपको काम में आएगी। बहुत सारे का मेरा मतलब है whether you are doing the marketing on Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Snapchat, Quora, कोई भी, या Google, दो उन्होंने ऑडियंस को दो हिस्सों में बांट दिया, एक है इंटरेस्ट और दूसरा है बिहेवियर। पहला है इंटरेस्ट, दूसरा है बिहेवियर। सो इंटरेस्ट और बिहेवियर में क्या फर्क है, उड़ान दर। इंटरेस्ट मानी आपकी हॉबीज, जो आपको पसंद है, जैसे कि किसी को बुक रीडिंग करना किसी को पसंद है तो वो उसका इंटरेस्ट, किसी को साइकिलिंग पसंद है तो उसका इंटरेस्ट, दिस इज इंटरेस्ट। तो जो आप ऑन अ रेगुलर बेसिस आपकी रूटीन में जो करते हो वो है आपका इंटरेस्ट। किसी को हेल्थ कॉन्शियस है तो वो जिम जाना पसंद करेगा या एक्सरसाइज करना पसंद करेगा, यस और नो, तो वो उसका क्या है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट। आपकी टारगेटेड ऑडियंस का इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, वो डिसाइड करके ही आप अच्छा मार्केटिंग कर सकते हो। और जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने बोला, ये सारे प्लेटफॉर्म ये इंटरेस्ट वाले लोगों को टारगेट करने के लिए ऑप्शन देते हैं। आप फेसबुक पे ये कर सकते हो कि जिसको योगा में इंटरेस्ट है उसको ही मुझे ऐड दिखा दे, जिसको जिम पसंद है उसको ही मेरी एड दिखा। अगर आपके पास पॉलिटिकल कैंपेन आया तो बीजेपी का है तो आप कर सकते हो कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी को लाइक किया उसको ही मुझे एड दिखा दिया, दैट इज पॉसिबल। इसलिए इंटरेस्ट जानना जरूरी है आपके टारगेटेड ऑडियंस का, राइट। सो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है और दूसरा क्या है, बिहेवियर। दूसरी भी चीज मैं ऐड कर देता हूं, राइट। दूसरा है बिहेवियर। तो इंटरेस्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, जिसको एसईओ में इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, पीपीसी में इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, उसके बाद क्या इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरनेट मार्केटिंग है, राइट। ठीक है, तो ये सारे इंटरेस्ट है। जिसको ये सब में गूगल एड्स है उसके, इसके ऊपर से जब आप एसईओ लिखोगे फेसबुक के ऑडियंस के सेगमेंट में, डिजिटल टारगेटिंग में वो लोग ऑप्शन देते हैं सारे, हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे बाद में। आज मेरा काम है आपका फंडामेंटल क्लियर करो। आज का फंडामेंटल जिसने क्लियर किया या जिस पर जिसने होमवर्क किया, क्योंकि ये लेक्चर ऐसा नहीं है कि आप एक बार सुनोगे या एक बार करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आप 6 महीने के बाद भी अगर इसको सुनोगे तो ओके इसका मीनिंग ऐसा होगा, राइट, ये होगा। तो ये जो इंटरेस्ट है इसको आप टारगेट, जैसे ही आप एसईओ रखोगे दे विल गिव यू ऑल द लीड्स ऑफ द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड एंड वेरी सिमिलर टू एसईओ। जैसे कि कुछ लोग सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन भी तौर पर भी वो लोग आपको मिले। नंबर टू बिहेवियर। सो बिहेवियर क्या है, बिहेवियर मानी जो अभी आप एक्टिवली ढूंढ रहे हो, बिहेवियर मानी जो अभी आप एक्टिवली ढूंढ रहे हो। जैसे कि आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप ऐसे नहीं है पूरी जिंदगी जॉब ढूंढते रहने वाले, तो इट इज नॉट योर इंटरेस्ट। कई लोगों के इंटरेस्ट होते हैं 6 महीने के बाद कंपनी चेंज करनी है, राइट, लेकिन नॉर्मली इंटरेस्ट में नहीं आता है, वो किसमें आता है, बिहेवियर। आप आज सोच रहे हो कि भाई मुझे ओवन परचेज करना है तो वो क्या क्या आएगा, बिहेवियर। आप आज सोच रहे हो कि भाई मुझे साइकिल लेनी है या और कुछ लेना है तो वो चीजें क्या है, बिहेवियर। अभी आप एक्टिवली अगर आपको घर लेना है भी आपका बिहेवियर, अगर आपको 99 एकर्स या कि किसी
रियल एस्टेट वाले बंदे ने, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने या बिल्डर ने प्रोजेक्ट दिया है भाई मुझे ये 10 मकान बेचने हैं, आप मुझे फेसबुक से हेल्प करोगे, आप क्या करोगे? जो लोग एक्टिवली अभी घर ढूंढ रहे हैं उसको डाल, यस और नो? अगर किसी आपको पैकर्स एंड मूवर्स का काम मिला, राइट, उन्होंने बोला कि भाई मुझे, तो जो लोगों ने रिसेंटली घर चेंज किया है उसको डाल, या घर चेंज करने के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए बिहेवियर को जानना बहुत जरूरी है, राइट। और ये सारी चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग कंटिन्यूअस बेस पर करते रहना पड़ेगा। आज सपोज 7S वाटर पार्क है, फॉर एग्जाम्पल, आज हमें जो इंटरेस्ट और बिहेवियर मिला वो जरूरी नहीं है कि 6 महीने के बाद हम उसी के साथ जुड़ के काम करें। नो, एवरी वीक जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो पता लगेगा कि ओके, ये इंटरेस्ट वाले लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझ रहे हो आप? नंबर टू, बिहेवियर। तो बिहेवियर में जॉब जिसको चाहिए, लुकिंग फॉर जॉब, ये एक बिहेवियर हो सकता है। दूसरा क्या बिहेवियर हो सकता है? बिजनेस ग्रोथ जिसको करना है, ये हो सकता है। जो लोग नए स्टार्टअप्स है, राइट, उनको अगर आगे बढ़ना है तो दे हैव टू लर्न दिस, या वो लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा। तीसरा, लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज या लुकिंग फॉर इंक्रीमेंट। कंपनी ने बोल दिया ये चीज आती है लेकिन अभी ये नहीं चलेगी, डिजिटल मार्केटिंग सीखो तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। आपके साथ जो पहली बैच पर है वो उसका एग्जाम्पल, राइट, ही यूज्ड टू रिसीव मोर देन 7,000 INR आफ्टर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग, राइट, करेक्ट। तो लुकिंग फॉर इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट जिसको चाहिए वो भी बिहेवियर है, एंड लुकिंग फॉर जॉब चेंज। ये सारे जो बिहेवियर है, ये सारे जो बिहेवियर है वो आपको ये सारी चीजों के लिए ढूंढना है। 3 मिनिमम है, उसके बाद जितना आपको करना है आप कर सकते, राइट, क्योंकि ये जितना सी पूरी ट्रेनिंग के दौरान, मैं तो हमेशा जो पुराने उसको भी बोलता हूँ, आप लोगों को भी बोलता हूँ, एक्सरसाइज असाइनमेंट करोगे तो ही आपकी इंसाइट बढ़ेगी। मैं कितना अच्छा एक्सप्लेन करूँ उसको कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने असाइनमेंट नहीं किया तो 6 महीने के बाद आपको कोई पूछेगा कि भाई इंटरेस्ट क्या है तो आपको पता नहीं, राइट, ठीक है। तो बिहेवियर नंबर टू, इन्फ्लुएंसर। जब भी आपकी टारगेट ऑडियंस होती है ना, उसमें दो लोग होते हैं, एक इन्फ्लुएंसर है और एक डिसीजन मेकर, राइट, इन्फ्लुएंसर है और डिसीजन मेकर है। जैसे कि अगर आप में से कोई है जो खुद अभी नहीं कमा रहा है, राइट, या तो फिर अगर हम लोग बोले कि भाई बाइक हीरो वाले की है या होंडा की बाइक्स है या कोई भी बजाज की है, तो उनमें इन्फ्लुएंसर कौन है? इन्फ्लुएंसर कौन है? आपकी जो यंगस्टर है जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं वो लोग इन्फ्लुएंसर है, मानी वो लोग डिसीजन कर, वो लोगों को आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई ये बाइक लेनी चाहिए, इससे आपकी पर्सनालिटी अलग लेवल की हो जाएगी। लेकिन डिसीजन मेकर कौन होगा? उन्हें अर्निंग पर्सन, उनके फादर होंगे वो डिसीजन मेकर होंगे, समझ रहे हो आप? तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो इन्फ्लुएंसर के लिए क्या दिखाना है? पर्सनालिटी, स्टाइल। और डिसीजन मेकर के लिए कितने में पड़ेगी वो, पर लीटर कितनी देती है वो, समझ रहे हो आप? तो ये दोनों चीजें भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्फ्लुएंसर कौन है? तो हमारे केस में, ज्यादातर केस में जो इन्फ्लुएंसर है वो है द पर्सन हु वुड लाइक टू लर्न, स्टूडेंट हो गए या वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर स्टूडेंट है तो उनके केस में डिसीजन मेकर उनके पेरेंट्स होंगे, और वर्किंग प्रोफेशनल में दे देमसेल्फ विल बी ठीक है, क्लियर। उसके बाद वेबसाइट दे विजिट। नॉर्मली वो लोग कौन सी वेबसाइट को विजिट करते हैं, राइट, जैसे कि कोई पर्टिकुलर आर्टिकल है या और कोई फेमस वेबसाइट है, नील पटेल है फॉर एग्जाम्पल, जो भी डिजिटल मार्केटिंग में जिनका नाम बहुत बड़ा, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अगर उसमें है तो आप में भी होने के चांसेस। तो नील पटेल है, मोज है,
राइट, बहुत सारे जिसको आप SEM रश है, HREPS है, ये सारे टूल्स है राइट, बस सुमो है, ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे यार। लेकिन कहने का ये मतलब है सोशल पायलट है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स है, आप आपका काम इजी कर सकते हो। प्लस ये सारे इन्फ्लुएंसर है या बहुत बड़े लोग है जो डिजिटल मार्केटिंग में जिनका नाम बहुत बड़ा, तो उन लोगों की वेबसाइट को भी आप कर सकते हो, क्योंकि जिन्होंने HREPS में इंटरेस्ट दिखाया है उसको मैं मेरी एड दिखाना चाहता हूँ। तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा कि आप जिसका काम कर रहे हो उनके लिए लोग कौन सी वेबसाइट को विजिट करते हैं या कौन से प्लेस को विजिट करते हैं। क्यों ये जरूरी है ये सारी चीजों को जानना? ये सारी चीजें आप ऑर्गेनिक और पेड जब मार्केटिंग करोगे तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपनी ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो नंबर टू, वेबसाइट पे विजिट। तो नीरज पटेल HREPS SEM रश फेसबुक इंस्टाग्राम राइट, ये सारी आप लोग इसमें टेलीग्राम लिख राइट, विच ऑनलाइन शॉप्स दे फ्रीक्वेंटली दे विजिट फ्रीक्वेंट राइट, दे फ्रीक्वेंटली विजिट होगा राइट। तो आप यहां पर ये हिस्से में दबाओ और वो लोगों को कौन सी सोशल मीडिया वेबसाइट पसंद है, तो ट्रेनिंग में कौन सी सोशल मीडिया वेबसाइट पसंद होगी, B2C में कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम राइट। अगर मैं ट्विटर पर कितने भी एफर्ट लगा लूं, मुझे जो फेसबुक और इंस्टा से रिजल्ट मिलेगा वो वहां से नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। लिंक्डइन से भी उतना नहीं मिलेगा जितना मुझे फेसबुक और इंस्टा से मिलेगा, क्योंकि मेरा टारगेटेड ऑडियंस भी है। तो ये सारी चीजें अगर आपने पहले फेज में नहीं की और काम करना शुरू कर दिया, द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई एक महीने के बाद क्लाइंट बोलेगा या तीन महीने के बाद क्लाइंट बोलेगा मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, और आप बोलोगे मैंने तो बहुत मेहनत की है, आई हैव स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये ना हो इसलिए ये होमवर्क ब्रेनस्टॉर्मिंग करना जरूरी है, और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बार नहीं करना है, सर्टेन पीरियड पर रिकरिंग बेस पर करना पड़ेगा, जैसे कि एवरी 15 डेज एवरी मंथ है, आपको इवेल्यूएट करना पड़ेगा कि कोई नई ऑडियंस मिली, कुछ नया हुआ। आप कोई भी जगह पर काम करो या खुद के लिए काम करो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, पैसों के लिए काम करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे राइट। सामने वाले को हेल्प करना है, सामने वाले को रिजल्ट देना है, उसके लिए काम करो, काम करने में थकान भी नहीं लगेगी और ग्रोथ तो होने ही वाला है। अगर आपसे आपकी कंपनी को 1,00,000 रुपए का फायदा हो रहा है सिंपल, तो आपको उसको 25,000 देने में क्या परेशानी राइट। लेकिन आप किसके पीछे पड़े रहते हैं, हम लोग नॉर्मली कब 25,000 पूछ रहे, कब 25,000 होता है कि नहीं होता है, हमें उसके पीछे भागना ही नहीं। आप एक ही दिमाग में रखो कि क्लाइंट को लास्ट मंथ मैंने 10 लीड दी थी, ये मंथ मैंने 15 लीड लाकर कैसे दी, और एक रिपोर्ट भेज देना है लास्ट मंथ का, लास्ट मंथ से 150% ग्रोथ हुआ है। लेकिन तीसरे महीने वो बोलेगा आपकी सैलरी इतनी नहीं इतनी कर देते हैं, करना ही पड़ेगा, वो रिसोर्स है, अच्छे रिसोर्स नहीं मिलते, बिलीव मी। अच्छे रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है, जिसका स्किल है और एटीट्यूड है, दोनों होना चाहिए। स्किल है लेकिन उसकी काम करने की इच्छा नहीं है तो भी वो रिसोर्स काम का नहीं है, काम करने की इच्छा है लेकिन आता नहीं है वो भी रिसोर्स काम का नहीं है, यस और नो, ठीक है। कॉम्पिटिटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अगर आपके कॉम्पिटिटर नहीं पता है आप उसमें आगे काम नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटर इज द बेस्ट मीडियम टू नो मार्केट में क्या चल रहा है। कैसे पता, सपोज आज ट्रेनिंग में मेरे जो 10 कॉम्पिटिटर है, वैसे तो मैं किसी को कॉम्पिटिटर मानता नहीं राइट, लेकिन जो सिमिलर आपके सिमिलर काम कर रहे हैं उनकी क्या ध्यान में रखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। ये चीज बहुत ध्यान में रखना, उनकी कौन सी पोस्ट में ज्यादा कमेंट आई है, ज्यादा लाइक आई है, ज्यादा शेयर आई है, माने ज्यादा एंगेजमेंट, उन्होंने एक महीने में अगर
20 पोस्ट की है, तो आपको पता लगा कि जिसमें टेस्टिमोनियल होता है उसमें नहीं जा रहा, तो आपके लिए एक्शन आइटम क्या हुई, क्या एक्शन आइटम हुई, टेस्टिमोनियल बनाना शुरू कर दो। दिस कॉम्पिटिटर इज द बिगेस्ट प्लेस राइट, जिससे आपको इंसाइट मिलेगी कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस को क्या पसंद है, या तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस किसके साथ एंगेज होती है, बहुत जरूरी राइट। तो वहां से 10 कॉम्पिटिटर को फ्रेंड्स देखोगे ना, आपका ऑर्गेनिक सोशल मीडिया का प्लान या कैलेंडर अपने आप रेडी हो जाएगा। आपको यही देखना है कि उसने जो भी क्रिएटिव यूज किए हैं उसमें क्या डिलीवर करने के लिए उन्होंने ध्यान में रखा है, एंड नंबर टू उसमें एंगेजमेंट कैसा। 5 को भी देखोगे तो आपको, हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे ये सारी चीज, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये इनसाइट दे रहा हूं कि आप फेसबुक में जाकर ये चीज कर सकते हो। और दूसरा आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि आपको आपकी जो सोशल मीडिया की क्रिएटिव्स बनाओगे उसमें थीम कैसी रखनी है, कॉल टू एक्शन कौन सी रखनी है, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को कहां पर हाईलाइट करना है, समझ रहे हो आप। जो भी B2C के सेगमेंट है, मैं आपको और एक इंसाइट बता रहा हूं, जो ट्रेनिंग का मॉडल है या कोचिंग का मॉडल है राइट, उसमें हमेशा जो बंदा वो ट्रेनिंग देने वाला है उसकी इमेज हमेशा अच्छा काम करे। जैसे कि हमने 2 इमेज को रन किया, 10,000 लोगों को एक इमेज दिखाई जिसमें हमने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग को प्रमोट किया, 10,000 लोगों को मेरी इमेज के साथ दिखाया, जो ट्रेनिंग देने वाला है उसकी इमेज के साथ दिखाया, बिलीव मी जो इमेज में जो बंदा ट्रेनिंग देने वाला है वो है, माने उसकी फोटो है, तो वो हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये भी आपके ऑब्जर्वेशन में कॉम्पिटिटर को जब आप एनालाइज करोगे तो पता। कोई भी प्रोजेक्ट के लिए सोशल मीडिया स्टार्ट करो, सबसे पहले आपके 5 कॉम्पिटिटर की पोस्ट को देखकर लिख दो, कोई भी चीज दिमाग में मत रखना राइट। आई नेवर लाइक कि कोई आए, सर ये काम हो गया है, मैंने बोला क्या हुआ है, ये कहां पर है, ये डॉक्यूमेंटेड कहां, राइट। डॉक्यूमेंट नहीं करोगे ना तो दिक्कत ही आएगी, 6 महीने के बाद आप भी भूल जाओगे कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया। लेकिन वही चीज अगर आप सिंपल समझो, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, अगर ये चीज यहां पर नहीं होती तो ये सारी चीज मेरे दिमाग में आती एक के बाद एक, 100% कुछ चीज मैं मिस कर रहा, कितनी भी मैं तैयारी करके आया हूं आई एम गोइंग टू मिस इट, लेकिन अगर यही चीज मैंने डॉक्यूमेंट कर दी है कोई भी चीज छूटेगी। और जब आप सब लोग इसको यूज करोगे 2 फायदा होगा, तो आपके पास एक रोड मैप होगा कि आपको अगर आपकी सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी बनानी है तो कौन से टेम्पलेट के साथ, कौन से रोड मैप के साथ आपको एग्जीक्यूशन करना है। आपके पास सामने वाला कितना भी अच्छा बोलने वाला हो, लेकिन अगर आपके पास रोड मैप नहीं है तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, ठीक है। सो नंबर 2, वेबसाइट दे विजिट, चेक 10 कॉम्पिटिटर्स, गिव, ये आपको मैं एक्सरसाइज देता हूँ, आप मुझे एक्सरसाइज दो, गिव मी जो भी नीचे आप करने वाले उसके लिए, गिव मी योर ऑब्जर्वेशन विथ लिंक, मुझे लिंक देना, मुझे किस तरीके से देना मैं आपको बताता हूँ, लेट मी गिव यू द आइडिया। मुझे देना है आपको मुझे देना है सबसे पहले पेज नेम, जो पेज का नाम है वो, पोस्ट लिंक, उसके बाद एंगेजमेंट, लाइक कमेंट एंड शेयर, और योर ऑब्जर्वेशन, आपको आपने वो इमेज से क्या सीखा और हमें उससे सीखकर क्या करना चाहिए, कैसे बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे, मैं आपको एक बनाकर देता हूं ताकि और कोई बोले नहीं कि भाई मुझे पता नहीं था, राइट। सर बैकग्राउंड नॉइज आ रहे थे, राइट। तो यहां पर सर, यस यस सर, नाउ इट्स ओके ओके ठीक।
पेज नेम कितना आ गया तो मैंने खाली एक बार समझा ले दीजिए आप जिन्हों कर दिया ये करवानो है ना राज्य मीटिंग अपने 11 वागे ने मारे 10:30 જેવું થશે એન્ડ પોસ્ટ લિંક એન્ગેજમેન્ટ लाइक कमेंट एंड शेयर ऑब्जर्वेशन एक्शन आइटम्स ये करने के बाद आपको लिखना है यहां कि पेज का नाम क्या है व्हाट इज द पेज नेम राइट फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग इन एसईओ पोस्ट की लिंक तो आपको फेसबुक ओपन करके क्या करना है यहां पर आपको गो थ्रू करना है कि भाई आपको एंगेजमेंट क्या मिला है राइट जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो इसमें एक एंगेजमेंट मिला है एक है एक है एक है ज्यादा एंगेजमेंट नहीं है तो आपके पास ज्यादा इसमें इनसाइट नहीं मिलेगी राइट तो अगर आप इनका कर रहे हो तो आपके पास सजेशन क्या होना चाहिए व्हाट शुड बी योर सजेशन कि आप जो भी पोस्ट करते हो उसको बूस्ट करो जो भी पोस्ट करते हो उसको ज्यादा नहीं ₹50 में बूस्ट करो ₹50 में भी बूस्ट हो सकता है तो एटलीस्ट ये जो मेहनत की है उसका आपको रिजल्ट यहां पर क्या करना है यहां पर ये पेज की URL लिखना है पोस्ट लिंक करना है और यहां पर एक्शन आइटम क्या होगी वी डिड नॉट गेट मच एंगेजमेंट इन मेजोरिटी ऑफ द पोस्ट इसका रीजन ये नहीं है ये लोगों ने काम अच्छा नहीं किया है इसका उससे ज्यादा रीजन ये है कि गूगल सॉरी फेसबुक और इंस्टा धीरे धीरे पेड़ को ज्यादा प्रमोट करता है जिसमें से उसको पैसे मिलते हैं तो ऑर्गेनिक की रीच को उसने क्या किया है सिग्निफिकेंट डाउन कर तो आप कितना भी अच्छा काम करो वो कुछ हद से ज्यादा आपको एंगेजमेंट देगा ही नहीं या आपकी रीच को ही नहीं है रीच ही नहीं आएगी तो एंगेजमेंट तो उसके बाद की चीज है समझ रहे हो नॉर्मल पोस्ट में आप बना सकते हो बूस्ट करते वक्त बना सकते हो ऑर्गेनिक में कुछ नहीं नहीं नॉर्मल में कुछ नहीं कर सकते नहीं मिले नॉर्मल में आप कुछ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप करोगे तो वैसे भी आपकी ऑडियंस कम है उससे कम हो जाएगी जितना सेगमेंटेशन करोगे ऑडियंस आपकी कम होती जाएगी सो यू दिट इज नॉट रेकमेंडेड नंबर टू बूस्ट ये आपका ऑब्जर्वेशन और बूस्ट पोस्ट विद 50 INR टू रीच to the maximum clear है सबको दिमाग में ठीक है अगर किसी में ये हमने क्या लिखा है क्या करना चाहिए लेकिन आपको एक्चुअली क्या करना है जो अच्छी पोस्ट है जिसमें बहुत सारा एंगेजमेंट आ रहा है वो पोस्ट में आपको आपको ऑब्जर्वेशन दिखा कि ये पोस्ट में ऐसा क्या आपको दिखा जिससे उसको एंगेजमेंट मिली
और यहां पर आपको वो पोस्ट से आप क्या आइडिया लोगे, समझ रहे हो आप, जो आपके कैलेंडर में आप कंसीडर करोगे। क्लियर? ठीक है। उसके बाद कौन सी एज ग्रुप को टारगेट करना है वो भी आपको यहां पर लिख देना है, राइट? व्हाट इज द एज ग्रुप? सो नॉर्मली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेमोग्राफी को डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? डेमोग्राफी को। डेमोग्राफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू राइट। सो डेमोग्राफिक में एज, एज में क्या लेना चाहिए ट्रेनिंग इन एसईओ में, 18 से लेकर 40 की एज ग्रुप तक आप ले सकते। लोकेशन, सो ज्यादातर लोग अहमदाबाद से ही आते हैं, राइट? लेकिन अभी ऑनलाइन है तो कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, लेकिन बाहर में भी इंडिया के बाहर से आते हैं जहां पर ये कोर्स बहुत महंगा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है या तो यूके है, वहां पर ये कोर्स बहुत कॉस्टली है, तो वहां पर वो लोग आते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम। तो यहां पर मैं अहमदाबाद लिखता हूं, ऑस्ट्रेलिया लिखता हूं, यूके लिखता हूं, ऑस्ट्रेलिया से बहुत लोगों ने ली है ट्रेनिंग, और यूएसए एंड कैनेडा, क्योंकि वहां पर जो लोग जाते हैं उसको भी ये सीख के जॉब तुरंत मिल जाती है। ये चार लोकेशंस है जहां पर मैं अपने घर दिखाना चाहूंगा। जेंडर भाई सब लोग अपना माइक म्यूट रखें, ओके। जेंडर बोथ, प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, एफबी एंड इंस्टा, राइट? ठीक है। और क्या करो कि आप जो भी प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हो, ध्यान से सुनो, उसमें ग्रुप्स आते हैं। उसमें क्या होता है, ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि यहां पर अगर मैं देखूं तो सोशल मीडिया के ग्रुप्स होंगे, डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप होंगे, ग्रेजुएट जो हुए, माने आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो जो ग्रुप में है, ध्यान से समझो, वो जो ग्रुप में है उसको पकड़ो और वहां पर ज्वाइन होकर अपनी पोस्ट को वहां पर भी शेयर करो। आपके पेज पेज के ऊपर 500 लोगों ने लाइक किया है या 500 लोगों ने फॉलो किया है, आपकी जो रीच है वो 500 में से 10% लोगों को मिले, लेकिन अगर ग्रुप में 10,000 लोग है तो ऑटोमेटिकली आपकी रीच। सो हमेशा क्या करो फ्रेंड्स, हमेशा क्या करो, आपकी रिलेवेंट टारगेटेड ऑडियंस जो जो ग्रुप में है, अगर आप मेडिसिन का कर रहे हो और डॉक्टर इज योर टारगेटेड ऑडियंस तो उसके ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, राइट? उससे आपकी जो रीच है वो बढ़े। क्लियर? ठीक है। तो नंबर टू, ग्रुप कैसे फाइंड करना है, बहुत आसान है। लेट मी गिव यू दी आइडिया हाउ यू कैन फाइंड द ग्रुप। यहां पर आपको सर्च की फैसिलिटी वो लोगों ने दी है, डिजिटल मार्केटिंग या जॉब, जॉब रिलेटेड ग्रुप है, जॉब, राइट? जॉब्स इन अहमदाबाद, आप क्या कर सकते हो, आपकी यहां पर पोस्ट करो, गारंटेड जॉब, जॉब गारंटी 100%। कितने लोग हैं ये ग्रुप में, ये रहा 75,000 लोग, अपने आप रीच मिलेगी, हो ही नहीं सकता रीच ना। क्लियर? ठीक है। सो ऐसे अब आराम से ग्रुप, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपल ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, जहां पर आपका टारगेटेड ऑडियंस है वो सारे प्लेसेस को ढूंढो और वहां पर आपकी पोस्ट करो, बिलीव मी 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एक सिंपल चीज है, आपकी रीच बढ़ जाएगी।
आज आप जो काम कर रहे हो वो 10 लोगों को पता है, कल जाके 1000 लोगों को पता लगेगा, तो रिस्पॉन्स रेट भी उसके हिसाब से बढ़ने ही वाला है। सिंपल, द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेम्बर इज रिस्पॉन्स तभी बढ़ेगा अगर आपने राइट ऑडियंस को टारगेट किया, वरना नहीं बढ़ेगा। वरना आप 10 लाखों को लोगों, जैसे कैसे होता है व्हाट्सएप पे होता है ना, बहुत सारे व्हाट्सएप मार्केटिंग वाले होते हैं, बल्क व्हाट्सएप, हमने 50,000 व्हाट्सएप किया था, मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ, वी डिड नॉट गेट अ सिंगल आंसर। और वो लोग कौन थे, ऐसे हमने ऐसे ही नहीं लिए थे, जो लोग ग्रेजुएट ये ईयर में हुए थे वो लोग थे, वी डिड नॉट गेट अ सिंगल आंसर। कहने का यह मतलब है कि अगर आप कोल्ड वे में मार्केटिंग करोगे तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना आप स्ट्रेटेजिकल वे में कन्विंस करके, रीच एंगेजमेंट करके आप उसको कन्विंस कन्वर्जन लोगे। ठीक है, सो फाइंड द ग्रुप्स वेयर योर टारगेटेड ऑडियंस स्पेंड ऑडियंस, राइट, फाइंड द ग्रुप्स वेयर योर टारगेटेड ऑडियंस आर देयर। ऑफर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बहुत ठोकरे खा के सीखा है, राइट। जब भी आप, ध्यान से सुनो, कन्वर्जन का कैंपेन कर रहे हो, कन्वर्जन माने लीड जनरेट करनी है या प्रोडक्ट को सेल करना है, दैट इज व्हाट आई मीन बाय कन्वर्जन का कैंपेन, आपको 3 चीज देनी पड़ेगी वरना आपका काम नहीं चलेगा, एंगेज नहीं होगी ऑडियंस। ऑफर देनी पड़ेगी, डिस्काउंट देना पड़ेगा या तो फ्री में कुछ देना पड़ेगा, वरना वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे फ्री डेमो लेक्चर है, अगर आप टपरवेयर का सेल कर रहे हो तो टपरवेयर में 20% डिस्काउंट, उसके बाद देखो फेसबुक धूम मचा देगा। लेकिन ये 3 चीज नहीं होगी, आपने फ्लैट ऐसे ही प्रमोट कर दिया, मैं ये करता हूं मेरे साथ जुड़ो, नो, नेवर वर्क, दैट विल नेवर। 3 चीजों में से 1 चीज आपको देनी ही पड़ेगी। 7S वाटर पार्क में हमने क्या सोचा है, 1500 का भाव रखो, माने दिखाओ, और 999 में उसको बेचो, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पीरियड ऑफर। ऑफर के बगैर सामने वाला बंदा एंगेज ही नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं आपके साथ। ठीक है, क्लियर। सो ये आप जिसका भी कर रहे हो ध्यान से समझो, आपके पोस्ट में जब आप सामने वाले को लीड लेनी है या तो सामने वाले को प्रोडक्ट बाय परचेज करवानी है सामने वाले से, ऑफर, डिस्काउंट और फ्री में, ये 3 में से 1 चीज होनी चाहिए। ठीक है, सो वी ऑफर फ्री डेमो लेक्चर, फर्स्ट ठीक है, हैशटैग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। आप चेक करो कि आपकी इंडस्ट्री में कौन कौन से हैशटैग चलते हैं, राइट। तो वो कैसे ढूंढना है, पहला टूल है कीवर्ड रिसर्च। आप गूगल पर यहां पर सर्च करो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला तो हैशटैग क्या होगा, आपका ब्रांड नेम ही आपका हैशटैग होगा। दूसरे आपके कीवर्ड, दूसरे हैशटैग के तौर पर क्या होगा, आपके कीवर्ड, कहां से कीवर्ड मिलेंगे, यहां अगर आप सर्च करो, जैसे ही आपने यहां पर सर्च किया आपको यहां पर कीवर्ड मिलेगा। ये जो गूगल सर्च सजेशन देता है ना, उसका आप मल्टीपल वे में यूज कर सकते हो जब आप मार्केटिंग कर रहे हो। तो ये है कोर्स, तो यहां पर क्या करेंगे, टूल्स, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जितनी भी हमारी सर्विस है उसको हैशटैग बना दो, राइट। हैशटैग के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले गूगल कीवर्ड प्लानर नंबर 1, नंबर 2 ट्विटर, ट्विटर में भी आपको हैशटैग जो ट्रेंडिंग है वो भी मिलता है, नंबर 3 है गूगल ट्रेंड्स। जैसे ही आप यहां पर जाओगे,
इंडिया से फिल्टर करना पड़ेगा आपको। इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहां से आप हैशटैग के आइडिया दे सकते हो। तीसरा कौन सा प्लेस है? फेसबुक कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर यस, नहीं ये क्या है, ये बेसिकली जो लोग सर्च करते हैं गूगल पर, ये ट्रेंड का इंटरप्रिटेशन क्या है, ये टूल का इंटरप्रिटेशन क्या है, जो डेटा देते हैं वो लोग उसमें, जो लोग गूगल पर सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, उसमें ऐसे कौन से कीवर्ड है जो लोग बहुत रिसेंट टाइम में लोगों ने ज्यादा सर्च किया है? वो नहीं, वो नहीं, ठीक है। सो यहां से कॉम्पिटिटर्स पेजेस एंड प्रोफाइल्स और इंस्टाग्राम, यहां से आपको आराम से 25 जो भी आपके बेस्ट हैशटैग्स है, क्लियर है, ठीक है। बेनिफिट, आपकी सर्विस से सामने वाले को क्या बेनिफिट होने वाला है, ये चीज आपको क्लाइंट के साथ पहले सेशन में ही डिस्कस कर लेनी है, या तो जो प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उसके लिए पहले से ही, जैसे कि यहां पर है 100% जॉब गारंटी, 100% बिजनेस ग्रोथ एंड 100% इंक्रीमेंट गारंटी, प्रोवाइडेड आपने अगर 80% एक्सरसाइज किया तो, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस, राइट, ठीक है। तो ये उसके बेनिफिट, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये नहीं है कि मैं 50 मॉड्यूल सिखाने वाला हूं या ये प्लेटफॉर्म सिखाने वाला हूं, ये नहीं, सामने वाले यूजर को जो टच करने वाला है जो चीज, या उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, आप 50 मॉड्यूल सीखो या 100 मॉड्यूल सीखो, आपका ऑब्जेक्टिव तो ये तीन में से एक ही होने वाला है, यस और नो, तो वो बेनिफिट को आपको आपकी इमेजेस में हाईलाइट करना है। जैसे कि वाटर पार्क है तो उसका लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, एंटरटेनमेंट, फन, यस और नो, फिर उसमें 50 राइड है कि 100 राइड है, ऑब्जेक्टिव यही है, करेक्ट। तो ये वर्ड को क्या करो फ्रेंड्स, इमेज में जो आप क्रिएटिव बना रहे हो उसमें यूज करो, तो ही सामने वाला बंदा एंगेज होगा साइकोलॉजिकल, और वो एंगेज होगा तो ज्यादा रिस्पॉन्स और एंगेजमेंट मिलेगा। यस, सेफ्टी भी लिख सकते हो, करेक्ट। कॉल टू एक्शन बटन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल टू एक्शन बटन का क्या मतलब है, द बटन विच इंस्पायर यू टू टेक सम एक्शन, बटन विच इंस्पायर यू टू टेक सम एक्शन। सो ट्रेनिंग इन एसईओ में फ्री डेमो लेक्चर, फ्री वर्ड हमेशा लोगों को इंस्पायर करता है आपसे जुड़ने के लिए, ये सर्वाइवल, राइट, वेदर इट इज उबर, वेदर इट इज रिलायंस, सब में उन्होंने स्टार्ट जो किया था वो फ्री से ही किया, राइट। तो कॉल टू एक्शन, 7S वाटर पार्क में क्या होगा कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन में डिस्काउंट नहीं आता, वो बेनिफिट में, बेनिफिट में आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, या तो यूएसपी के तौर पर हाईलाइट कर, बुक नाउ। कॉल टू एक्शन क्या होगा, बुक, डॉक्टर है तो बुक एन अपॉइंटमेंट। कॉल टू एक्शन माने विच इंस्पायर यूजर टू कॉन्टेक्ट यू, कॉल टू एक्शन बटन का क्या इंटरप्रिटेशन है, विच इंस्पायर यूजर टू कॉन्टेक्ट यू, राइट। टेक सिलेक्ट कॉल टू एक्शन बटन which inspire your targeted audience to contact you, ठीक है friends।
डन है सबको, आपकी ये आपका ये असाइनमेंट है, आपको ये पांच इंडस्ट्री या आपकी खुद की भी हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी तीन के लिए ये पूरा तैयार करके आ। अगर आपको सोशल मीडिया में सही में आगे बढ़ना है सिस्टमैटिक तो ये करो, जितना आपका बेस क्लियर होगा, क्योंकि इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आगे जाके आप कोई भी इमेज बनाओ, कोई भी पेड कैंपेन बनाओ, तो आपके पास बेस मटेरियल है। आप टीम को भी बोल सकते हो कि भाई इसमें जो ऑडियंस रखी है उसको ध्यान में रखे आपको ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। कॉल टू एक्शन बटन है, ऐसा ना हो कि एक बंदे ने बनाया तो कॉल टू एक्शन बटन ये लिख दी इमेज में, दूसरे बंदे ने बताया तो ये लिख दी, होगा 100%। अगर आपका ये डिफाइन नहीं होगा एक जगह पर सेंट्रल लोकेशन पर तो ये होगा, तो सारी चीजें कैसे होनी चाहिए, हार्मनी में होनी चाहिए। एक ब्रांड जो इमेज है वो प्रॉपर वे में डिलीवर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया सभी प्लेटफॉर्म सभी के लिए नहीं है, तो वेन एवर यू क्रिएट द स्ट्रेटजी सोशल मीडिया, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पर है। सो नॉर्मली जो जैसे मैंने बताया कि अगर आपका बिजनेस B2C है तो फेसबुक पे, उसमें भी अगर उसका एज ग्रुप 30+ है तो वो बेहतरीन काम करेगा। नंबर टू, फेसबुक में आपकी जो ह्यूमन आइडेंटिटी होती है वो प्रोफाइल होती है, और जो बिजनेस होता है उसका पेज होता है, वो दोनों फेसबुक में अलग अलग है। आप आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को पेज से नहीं चला सकते एक्सेप्ट योर सेलिब्रिटी, और वाइस वर्सा आप आपके पेज को प्रोफाइल के ऊपर नहीं चला सकते, क्योंकि कुछ जो फीचर्स है वो आपको बिजनेस के लिए जो फीचर है वो पेज में ही मिलेंगे, और प्रोफाइल के जो फीचर है वो आपको आपकी ह्यूमन आइडेंटिटी के जो फीचर है वो आपको प्रोफाइल में ही मिलेंगे, क्लियर है, ठीक है। इसमें गोल क्या रहेगा, अगर आपको ब्रांडिंग करना है, कंसिडरेशन करना है कि कन्वर्जन, माने तीनों में से कोई भी चीज करनी है, फेसबुक विल हेल्प। ट्विटर किसमें काम आए, जब आपको सपोर्ट देना है, कस्टमर सपोर्ट, राइट, अगर आप में ये आप टेस्ट भी कर सकते हो, अगर आपको फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपको कोई भी जगह पर परेशानी आई, मानी आपको सपोर्ट नहीं मिला, अगर आप ट्विटर पर लिख दोगे तो तुरंत सपोर्ट मिलेगा, 100% तुरंत मिलेगा। क्यों, जब आप उनको सपोर्ट के लिए ईमेल करते हो तो कितने लोगों को पता लगता है, जिसको ईमेल रिसीव हुआ है उसको ही पता लगता है, लेकिन अगर वही चीज आपने ट्विटर पर की तो कितने लोगों को पता लगेगा, समझ रहे हो आप, दैट इज व्हाई वो लोग, अगर आपकी काम कोई भी जगह पर रुका है ट्विटर विल वर्क एंड गिव यू द रिजल्ट, ठीक है। नंबर टू, अगर आपको पॉलिटिक्स में किसी का प्रमोट करना है, राइट, जैसे कि अभी गुजरात विधानसभा की इलेक्शन आने वाले, तो उसमें से अगर किसी को प्रमोट करना है तो ट्विटर इज वेरी गुड, ट्विटर एंड फेसबुक दोनों पर आप कर सकते, राइट, सो वो दोनों पर आप उनके काम को, उनकी आगे की जो भी प्लान है उनका, उनको वहां पर हाईलाइट कर सकते हो, या वो लोग जो वहां पर विजिट करते हैं उसको हाईलाइट कर सकते हो, तो ये भी प्रोफाइल है। ट्विटर में एक ही चीज है, आप बिजनेस, आपका बिजनेस है या बिजनेस को आप प्रमोट करना चाहते हो या उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो या आपकी खुद की करना चाहते हो, दे हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज प्रोफाइल। B2C के लिए ऑफकोर्स काम करेगा ज्यादातर, और इसमें भी तीनों की तीनों बोले, लेकिन मैं कन्वर्जन के लिए नहीं बोलता हूँ, ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा ब्रांडिंग एंड कंसिडरेशन। तीसरा है लिंक्डइन इज बेसिकली प्रोफेशनल नेटवर्क, राइट, उसमें आपने कहाँ पर घूमने गए थे, क्या खाया क्या पिया, वो लोग शेयर नहीं कर सकते,
राइट, वो रिलेवेंट नहीं है वो प्लेटफॉर्म के हिसाब से, वो एंगेजमेंट नहीं हो रहा उसमें। आप क्या कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में आपने वैल्यू एडिशन की आपको ये पता है वो लिख सकते हो, आपने आज के लेक्चर में जो भी सीखा उसके लिए अगर आपको पोस्ट बनाकर शेयर करनी है तो आप कर सकते हो, राइट। तो प्रोफेशनल नेटवर्क, ठीक है, वो कर सकते हो आप। इसमें क्या होगा, दो चीज होगी, प्रोफाइल होगी, मानिए अगर आपकी खुद की है तो प्रोफाइल होगी, अगर आपके बिजनेस की है तो क्या होगा, पेज होगा, और अगर उसके एक कंपनी की मल्टीपल सर्विस के लिए पेज क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, शोकेस पेज होगा। तीन लेवल के होते हैं, ठीक है, तीन पर्पस से लोग यूज करते हैं, बी टू बी के लिए, हायरिंग के लिए भी लिंक्डइन बहुत यूज होता है, एंड तीसरा सेल्स, जो सेल्स वाले बंदे हैं, बीडी, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, वो लोग इसका बहुत यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो फिल्टर का ऑप्शन है वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग लिंक्डइन को प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैं दिखाऊंगा कि आपको अगर मुझे ऐसा ढूंढना है कि यूएस में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, चलो ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के ओनर है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के, राइट, उसको ये मुझे ढूंढना है, तो आप उसमें फिल्टर करके देख सकते, आपके टारगेटेड ऑडियंस की प्रोफाइल को आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लिंक्डइन, है ना। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जो बीडी होते हैं, राइट ऑडियंस को पिच करते हैं कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट या सर्विस है, इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट अस नो। लेकिन सारी चीजें इतनी आसान नहीं है, 6 महीने मेहनत करोगे उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है, लेकिन आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। कौन सी, यस, यहाँ पर फ्रेंड मैंने लिखा है, सॉरी ये चीज मैंने मिस कर दी, अगर फेसबुक है तो कौन सी बिजनेस कैटेगरी लिए, कैटेगरी के लिए काम करेगा, तो अगर आपकी एजुकेशन कैटेगरी है, लाइफ इंश्योरेंस है, ओल्ड एज होम है, कॉस्मेटिक है, वीजा कंसल्टिंग है, ट्रेनिंग है, क्या काम करेगा फेसबुक एंड इंस्टा, ज्यादातर फेसबुक काम करेगा। नंबर टू ट्विटर, पॉलिटिक्स है, न्यूज के रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है, सपोर्ट, तीन चीजों, अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट ये तीन कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी में फॉल्स होता है, यू कैन चूज ट्विटर एज अ सोशल मीडिया प्रमोशन प्लेटफॉर्म। नंबर थ्री बी टू बी, बी टू बी में इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी है, अच्छा सब में क्या काम करेगा, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है, इमेज वीडियो शेयरिंग सोशल प्लेटफॉर्म, प्राइमरीली इमेज और वीडियो ही चलता है वहां, और थोड़ा प्राइवेसी ज्यादा होती है कंपेयर टू फेसबुक, राइट। तो जो लोग यंगस्टर होते हैं वो लोग पसंद नहीं करते फेसबुक में अपने पोस्ट को रखना, लेकिन इंस्टाग्राम में वो लोग रखते हैं, राइट। प्रोफाइल ही होती है उसमें भी, प्रोफाइल और पेज जैसा कुछ नहीं होता है, बी टू सी के लिए वो काम का है। एजुकेशन, कॉस्मेटिक, फूड एंड फैशन, जिसमें 18 से लेकर जो 20-25 की एज ग्रुप वाले लोग, जो अगर आपका टारगेट ऑडियंस है सिंपल, तो इंस्टाग्राम विल वर्क लाइक अ मैजिक, रील बनाओ आप, स्टोरी फेसबुक में रखो, ठीक है। इसमें भी तीन चीजों में काम आएगा, ब्रांडिंग करना है, कंसिडरेशन करना है कि कन्वर्जन करना है, ये काम आएगा। यूट्यूब, यूट्यूब इज ऑल्सो मैजिक, राइट, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, राइट, और इसमें भी आप B2C B2B दोनों को टारगेट कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर B2C काम करेगा। एजुकेशन है, कॉस्मेटिक है, या सेल सपोर्ट है, आफ्टर सेल सपोर्ट है, ये तीनों में बहुत बढ़िया काम करेगा। एजुकेशन में तो इट विल वर्क लाइक अ मैजिक। मैं आज खुद एवरी मॉर्निंग जब घर से यहाँ पर आता हूँ तो एक वीडियो देखता हूँ, एवरी मॉर्निंग। आज ही विवेक बिंद्रा का मैंने सीखा था कि भाई जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उसकी हैबिट्स क्या होती है, राइट, वो लोगों की हैबिट्स क्या होती है जिससे वो लोग सक्सेसफुल, राइट। तो इससे आपका बहुत नॉलेज एनहांसमेंट होता है। तो अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हो, आपके पास जो भी नॉलेज, कम से कम वीडियो में आप उसको शेयर करो, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनल फील होता है कि आज से 2-3 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ेगा आर्टिकल वार्टिकल, लोग वीडियो ही देखकर नॉलेज ले लेंगे,
क्योंकि उसमें क्या फायदा होता है कि देखने से चीजों को समझने में आसानी रहती है, तो कम समय में आप ज्यादा चीजों को समझ सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो, इसीलिए वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। सेम ब्रांडिंग कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, मैं आपको सिंपल बताऊं कि आज मैंने जो लेक्चर लिया उसका जो क्रक्स है वो, अगर 5 मिनट का बनाकर जो भी हमारी टारगेटेड कंट्रीज है उसमें मैं 1,000 रुपए में प्रमोशन करूं तो मुझे ज्यादा लीड नहीं मिलेगी, 100% मिलेगी, हो ही नहीं सकता ना मिले, करना पड़ेगा। उसके बाद है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट इज वेरी सिमिलर, इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें भी आप प्रोफाइल और बिजनेस प्रोफाइल दोनों कर सकते हो। इसके कितने यूज करने वाले हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, B2C और B2B दोनों में काम करेगा। इसमें जो इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन, यस, फैशन डिजाइनिंग है। उसके बाद ज्वेलरी, ये सारी चीज इसमें काम। कई बार आप अच्छे फूड जो है, आपने अगर कोई चीज बनाई है उसके अगर आप अच्छे फोटो रखोगे तो भी चलेगा। डिजाइन के रिलेटेड कुछ भी है ना फ्रेंड्स, बेहतरीन काम करेगा ये पिंटरेस्ट। ग्राफिक्स के रिलेटेड कोई भी होगा तो बेहतरीन काम करेगा, राइट। आप आपका काम भी इसमें रख सकते हो, पंचम 55 तो नहीं होगा, यहाँ पर 45। स्नैपचैट, तो स्नैपचैट इज ऑल्सो, इट इज वेरी सिमिलर टू इंस्टाग्राम। मैंने ऑनेस्टली कभी स्नैपचैट यूज नहीं किया है तो मुझे इतनी इनसाइट नहीं है इसमें, राइट। सो मुझे जहां तक पता है उसमें इमेज ही कर सकते हो, वीडियो भी कर सकते हो, नहीं होगा ऐसा तो नहीं होगा, प्रोफाइल ही होती है उसमें भी, राइट। एक्टिव यूजर्स और वो सब कुछ पता नहीं है, B2C ही काम करेगा। और इसमें भी आई नीड टू चेक कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए वो काम करेगा, जहां तक मेरा नॉलेज है जो इंस्टाग्राम के लिए काम करेगा वो ही काम करेगा इसमें। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक हम लोग रुकते हैं। कमिंग सेशन में हम लोग ये चेक करेंगे कि पोस्ट को कैसे क्रिएट करना है, राइट। आप जो भी काम करोगे उसमें आप कैसी पोस्ट बनाते हो, इमेज क्रिएटिव कैसे बनाते हो, उसका बहुत मायने है। एक सर्वे था, एक स्टेटिस्टिक था सॉरी, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी पर्टिकुलर चीज में लोग एंगेज होंगे कि नहीं होंगे, उसमें 60% जो रोल होता है वो क्रिएटिव का, 60%। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा है तो उसकी चलने की संभावना बहुत ज्यादा। उसके बाद 20% जो होता है वो ऑडियंस होता है, कि आपने राइट ऑडियंस को दिखाया है कि नहीं। एंड 20% रिमेनिंग चीज आती है, गोल है, डेमोग्राफिक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कैप्शन है, ऑफर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। 60% इमेज का रोल है। तो इमेज कैसे इफेक्टिव बनाई जाती है, इमेज में क्या क्या चीज होनी चाहिए, कौन कौन से टूल्स है जिससे इमेज बनाई जाती है, वो सारी चीज हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इसको फास्ट रिकैप कर लेते हैं। Let us recap it fast. ये सारी जो भी स्प्रेडशीट है जो भी हमने आज डिस्कस किया है उसकी एक्सेस आपको निर्मित सर आज दे देंगे, राइट। ओके चलो, सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि सोशल मीडिया में नॉर्मली कौन से गोल के साथ गोल रहते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स क्लाइंट्स हैव व्हेन दे वुड लाइक टू स्टार्ट विद द सोशल मीडिया मार्केटिंग, कौन से ऑब्जेक्टिव है। यस, जो भी ऑनलाइन है वो भी अपना आंसर, अपना माइक अनम्यूट करके दे सकता है। यस बताइए। सबसे पहला है ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस, ठीक है। ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस में क्या है, केपीआई क्या रहेगा, व्हाट विल बी द केपीआई,
वेरी गुड। एंगेजमेंट के मैट्रिक्स कौन कौन से है? लाइक्स, कमेंट्स है, कमेंट एंड शेयर, व्यूज, व्यूज एंड व्यू, रीच, 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 रीच में भूल गया, कितने लोगों तक पहुंचा, वो भी एक एंगेजमेंट का ही मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नंबर टू क्या होगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट टिप? कंसीडरेशन। नहीं नहीं, कंसीडरेशन नहीं, गोल क्या रहेगा दूसरा? लीड। लीड में क्या केपीआई रहेगा? व्हाट विल बी द केपीआई इन लीड? नंबर ऑफ लीड्स एंड कॉस्ट पर लीड। नंबर ऑफ लीड, नंबर ऑफ लीड्स एंड कॉस्ट पर लीड। एंड नंबर, नंबर थ्री इज ई-कॉमर्स सेल रेवेन्यू। इसमें क्या रहेगा? नंबर ऑफ कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन और कॉस्ट पर कन्वर्जन। वेरी गुड, केपीआई आपको पता लग गया। जब भी आपके पास कोई भी सोशल मीडिया के लिए काम आता है, प्रोजेक्ट आता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके गोल को पता करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी केपीआई को पता करना पड़ेगा, उसके बाद हाउ टू प्लान ऑडियंस, ऑडियंस में कौन कौन सी चीज आएगी, वेरी गुड, उसका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, नंबर टू, वेरी गुड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड बिहेवियर? What actively we are looking for is behavior. What is our hobby? Is our interest. ठीक है, इससे आपको पता लगेगा, ये सारी चीजें ना फ्रेंड्स आपको दुनिया के कोई भी पेड प्लेटफॉर्म में काम आए, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है ना वो सारे प्लेटफॉर्म पर कॉमन ही रहने वाला है, फिर वो गूगल है, फेसबुक है कि और कोई प्लेटफॉर्म है। तो ये अगर आपने ये अच्छा होमवर्क किया है, माने ये अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है ना, तो आपको सभी प्लेटफॉर्म में बहुत हेल्प होगी। चलो उसके बाद क्या आएगा ऑडियंस में? एज। हाँ, एज, पेज, एज, 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 वो डेमोग्राफिक में आएगा एज। उसके बाद इनकम, जेंडर, लोकेशन। इनकम जो है वो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं डेमोग्राफिक में, लोकेशन, लोकेशन। क्लियर? यस, डिसीजन मेकर एंड इन्फ्लुएंसर, ये यहाँ पर होगा। कंपटीटर्स, यस, कंपटीटर्स, ठीक है, ये सारी चीजों के। और टॉप फाइव एंगेजिंग पोस्ट विद एक्शन आइटम। अगर कोई डेंटिस्ट है तो पांच डेंटिस्ट के पेज को देख लो, उसमें से किस टाइप की पोस्ट में ज्यादा एंगेजमेंट मिला है, उससे एक्शन आइटम बनाओ। जिसमें डेंटिस्ट की इमेज है उसमें मिला है, जिसमें डेंटिस्ट और पेशेंट की दोनों इमेज है वो लिखा है वो मिला है, बिफोर आफ्टर वाले फोटो में मिला है, किस में मिला है, पांच को देखोगे यू विल गेट द आइडिया। और उसके बेसिस पर आप आपका कैलेंडर बनाओ, कैलेंडर बनाओ मानी नेक्स्ट मंथ में कौन सी पोस्ट करनी है वो बनाओ, कैलेंडर का मतलब वो है, ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफी आ गया, प्लेटफॉर्म। चलो प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे बताओ, फेसबुक कब यूज करना चाहिए, व्हेन वी शुड यूज द फेसबुक? बिजनेस टू कंज्यूमर, right, when your targeted audience is B2C and the age group is 30 above, you should go with the Facebook. उसके बाद LinkedIn, LinkedIn कब use करना है? B2B है, तो कर रहा है hiring के लिए, B2B की product को branding awareness के लिए, right? LinkedIn में, और एक चीज में आपको बताता हूँ, LinkedIn is 7 times costlier than Facebook. तो LinkedIn पर experiment करना बहुत बहुत नुकसान वाला हो सकता है। अगर आपको एक लीड फेसबुक में 10 रुपए में आ रही है तो वो लिंक्डइन में 70 रुपए में आएगी भी नहीं आएगी, वो भी एक चैलेंज है। लेकिन इसमें क्योंकि प्रोफेशनल है तो वो टाइम नहीं होता है, वो कोई रीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन काम का नहीं है, तो ऑर्गेनिक में वो ज्यादा चलेगा कंपेयर टू पेड। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑर्गेनिक में भी, उसमें भी ग्रुप्स होते हैं, जैसे फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं वैसे लिंक्डइन में भी ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें भी आपकी बात को रख सकते हो, ठीक है, ओके। सो एफबी हो गया, लिंक्डइन हो गया, उसके बाद है ट्विटर। ट्विटर, चलो ट्विटर में
पॉलिटिक्स न्यूज में पॉलिटिक्स रिकॉर्ड है राइट वो सब पे स्पॉट्स अरे जो सेलिब्रिटी है वो सबके लिए वो ट्विटर काम करेगा राइट वो ट्विटर पर ही अपनी बातों को रखते हैं राइट तो उसमें वो काम करेगा ट्विटर इज ऑल्सो हेल्पफुल लेकिन कुछ टाइप के बिजनेस के लिए उसके बाद इंस्टा इंस्टाग्राम किस पे हेल्प करेगा B2C 18-35 के बीच में वो काम करेगा राइट आपको फैशन है एजुकेशन है राइट ज्वेलरी है वो सब में इंस्टाग्राम काम करेगा सेम फॉर द पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट भी वही ऑडियंस के लिए काम करेगा ठीक है उसके बाद स्नैपचैट राइट तो स्नैपचैट भी इट इज वेरी सिमिलर टू इंस्टाग्राम और यूट्यूब राइट तो यूट्यूब है वो बेसिकली काम करेगा आपको एजुकेशन इंडस्ट्री में राइट और सपोर्ट में भी वो अच्छा काम करेगा राइट डेमो है वो सब में बढ़िया काम करेगा एक्सीलेंट काम ओके फ्रेंड्स उसके बाद हैशटैग हैशटैग आप कैसे ढूंढोगे प्रोडक्ट सबसे पहले तो आपका नाम ही आपका एक हैशटैग होना चाहिए उसके बाद आप जो जो कीवर्ड को यूज कर रहे हो नंबर टू सर्विसेज जो कर रहे हो वेरी गुड उसके बाद आपके कॉम्पिटिटर्स को देखो गूगल ट्रेंड को देखो गूगल सर्च सजेशन को देखो बेनिफिट्स व्हाट आर द बेनिफिट्स तो वो क्लाइंट की वेबसाइट से आपको लेना है बेनिफिट इज विच टच योर टारगेटेड ऑडियंस या जो टारगेटेड ऑडियंस को एंड रिजल्ट चाहिए हो राइट उसमें फीचर्स नहीं आने चाहिए राइट जैसे कि ये पंखा घूम रहा है तो उसके कितने आरपीएम है वो उसका फीचर है लेकिन कितने दूर तक हवा आती है वो उसका बेनिफिट है समझ रहे हो बेनिफिट और फीचर्स में अंतर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉल टू एक्शन कॉल टू एक्शन बटन आप कॉम्पिटिटर को रिव्यू करो आपको मिल जाएगा आसान है राइट लेकिन आपको थोड़ी समझ रखनी पड़ेगी यूएसपी बेनिफिट और कॉल टू एक्शन में राइट वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स यहां तक हम लोग रखते हैं आपकी एक्सरसाइज है तीन बिजनेस के लिए ये सारी चीज मुझे तैयार करके दो ऐसे ही करनी है यहाँ पर आपको एक कॉलम क्रिएट कर देनी है यहाँ पर मानिए ये शीट में नहीं हो ये मेन शीट है इसकी कॉपी बनाकर राइट इसकी कॉपी बनाकर रखो और ये तैयार करके मुझे रखो जितना डिटेल में लोगे आई विल बी मोर देन हैप्पी और अगर आप में से किसी का काम अच्छा होगा तो मैं यहाँ पर ही हायर कर लूंगा उसको राइट पहले से मैं बता देता हूँ राइट वी आर लुकिंग फॉर अ गुड सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्टिविटी राइट तो अगर आप में से किसी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो वी आर सपोज टू हायर ठीक है ओके फ्रेंड्स तो थैंक यू टेक केयर नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे